Hey everybody, welcome back to Khan's Kitchens with Zee. I hope आप सब बहुत मजे में होंगे. आज हमारे किचन में बनने जा रही है बहुत ही डिलिशियस और सर्दियों की स्पेशल हल्दी की सब्जी. जी हाँ, ये कच्चे हल्दी की सब्जी है जो खाने में बहुत ही डिलिशियस होती है. आप इसको हफ्ते भर तक के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और रोटी, नान, चावल के साथ एंजॉय कर सकते हैं. तो आइए देख लेते हैं इसे बनाने का प्रोसेस. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, वेलकम, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. ऑलराइट फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बना रहे हैं हल्दी की सब्जी जो सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है. इसकी तासीर गर्म होती है और ये घुटनों के दर्द के लिए, बैक पेन के लिए बहुत ही अच्छा होता है. ये इस तरह की दिखती है, इसे कच्ची हल्दी कहते हैं. ये बाजार में इजीली अवेलेबल हो जाती है इंडियन ग्रोसरीज में. और ये मैंने छील ली है, तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसे कैसे छीला जाता है. कोशिश करिए कि जब भी आप हल्दी खरीदें तो ये बड़े डम्पलिंग्स में या फिर स्ट्रेट खरीदें, सो दैट पीलिंग आपके लिए ईजी हो जाए. तो कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है वो है, ग्लव्स पहननी है, चाकू भी स्टेन होगा इसमें तो उस हिसाब से आप काम करें, बट इवेंचुअली ये चला जाएगा. तो ये आपको ऐसे स्क्रेप करना है जैसे जिस तरह से मैं अभी स्क्रेप कर रही हूँ हल्दी को, उस तरह से. ठीक है, स्क्रेप करने के बाद मैं इसे धोऊंगी और फिर हम इसके पीसेस करेंगे. तो ये इस तरह से हो जाएगी. मैं इसको धोकर फिर आपसे मिलती हूँ वापस. ऑलराइट फ्रेंड्स, ये धोकर मैं ला चुकी हूँ. आप छीलने से पहले भी इसे धोइएगा एक बार और छीलने के बाद भी. इसके बाद मैं आपको बता दूं कि मैं इसको कैसे चॉप करूंगी. तो आपको रैंडमली इसके पतले पतले स्लाइसेस करने हैं. तो मैं आपको दिखा दूं इस थिकनेस के. ठीक है, तो बस ऐसे घुमाते जाइए और काटते जाइए. ठीक है, इसी तरह से मैं सब हल्दी काट लूंगी और फिर मिलती हूँ आपसे. ऑलराइट फ्रेंड्स, यहाँ पर हल्दी अच्छे से चॉप कर ली है मैंने. यहाँ पर मैंने लिया है एक बड़े साइज का प्याज जिसको मैंने फाइनली चॉप किया है. यहाँ पर मैंने लिए हैं दो बड़े टमाटर जिनको मैंने फाइनली चॉप किया है. आइए चलिए चलते हैं कुकिंग प्रोसेस की तरफ. यहाँ पर मैंने रख दिया है एक पैन. इस पैन के अंदर चला जाएगा घी. ये सब्जी देसी घी में बनेगी तो इसमें मैं करीब डाल दूंगी हाफ कप ऑफ घी. आप चाहें तो घी थोड़ा कम कर सकते हैं, बट ये अचार की तरह बनता है और जिस तरह से अचार में तेल होता है ऊपर, उस तरह से इसमें घी होता है. इसमें चला जाएगा अ टीस्पून ऑफ क्यूमिन सीड्स यानी जीरा. जीरा हल्का सा क्रैकल हो जाए तब हम डाल देंगे हमारा प्याज. एक बड़ा प्याज है ये. घी अगर हमें कम लगेगा तो हम ऊपर से भी ऐड कर सकते हैं, बट एटलीस्ट आपको इतना तो यूज करना ही पड़ेगा. इसी में अब हम डाल देंगे हमारी हल्दी. प्याज को मैंने सिर्फ एक मिनट के लिए सॉटे किया है. तो ये चली गई हमारी हल्दी. क्योंकि ये कच्ची हल्दी है तो इसको भी हमें प्याज की तरह अच्छे से कुक करना पड़ेगा. इसको भी दे दें एक अच्छा सा मिक्स. अब इसे मीडियम हाई फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे कुक होने दें फॉर अराउंड 5 to 7 minutes. फ्लेम को मैं कर रही हूँ मीडियम हाई पे, इसे मैं कुक होने दूंगी. आप चाहें तो इसे कवर भी कर सकते हैं. तो मिलती हूँ 5 to 7 minutes के बाद. ऑलराइट फ्रेंड्स, यहाँ पर 7 minutes हो चुके हैं मीडियम हाई फ्लेम पे मुझे प्याज और हल्दी को कुक करते हुए. ठीक है, आप देख सकते हैं कि प्याज का और हल्दी का कलर चेंज हो चुका है. प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं, हल्दी भी काफ़ी कुक हो चुकी है. इसमें अब हम डाल देंगे हमारे टमाटर. तो जितने प्याज हैं उसका डबल टमेटोज. टमाटर डालने के बाद हम डाल देंगे इसमें सॉल्ट टू टेस्ट, अ हीप्ड टीस्पून ऑफ धनिया पाउडर. हल्दी में हल्दी डालने की जरूरत नहीं है. हीप्ड टीस्पून ऑफ कश्मीरी लाल मिर्च, लेवल्ड टीस्पून ऑफ रेगुलर लाल मिर्च. बहुत ही बेसिक मसाले डालेंगे, सिर्फ नमक डलेगा, मिर्ची और धनिया बस. मगर जब ये सब्जी आप खाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही टेस्टी. ये हो चुकी है अच्छे से मिक्स. अब हम क्या करेंगे, इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पे इसको छोड़ देंगे जब तक कि टमेटोज मुशी ना हो जाए और अच्छे से ऑयल फिर से रिलीज ना हो जाए. इसमें मैं ऐड कर दूंगी दो कटी हुई हरी मिर्च. ठीक है, एक चली गई और एक और
आप चाहें तो मिर्च की क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब फ्लेम को कर देते हैं मीडियम, इसे करते हैं कवर और इसको हम कुक करेंगे जब तक कि टमेटोज मुशी ना हो जाए और घी अच्छे से रिलीज ना हो जाए। ऑलराइट फ्रेंड्स, यहाँ पर टमाटर अच्छे से कुक हो चुके हैं और घी अच्छे से रिलीज हो चुका है। इसमें मैं डाल दूंगी हाफ कप ऑफ दही, तो यहाँ पर ये एक वाटर कप का मेजरमेंट है ये चला जाएगा एंड अ क्वार्टर कप मोर। इसको देंगे एक मिक्स और तब तक हिलाते रहेंगे जब तक कि एक बॉयल फिर से अटेन ना हो जाए। तो यहाँ पर एक बॉयल अटेन हो चुका है, ठीक है। अब इसे हम कवर करके तब तक कुक करेंगे जब तक फिर से अच्छे से घी ऊज आउट नहीं हो जाता। और फ्लेम को मीडियम लो कर दें, कवर करके इसे कुक होने दें जब तक कि घी फिर से ऊज आउट नहीं हो जाता। ऑलराइट फ्रेंड्स, यहाँ पर 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए आप घी अच्छे से रिलीज हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ये हाफ कप का मेजरमेंट है तो इसको मैंने आधा फिल किया, क्वार्टर कप ऑफ वाटर डालूंगी, इसे दूंगी एक अच्छा सा मिक्स और लोएस्ट फ्लेम पे मैं इसे कवर करके कम से कम 7 to 8 मिनट्स और कुक होने दूंगी। तो बिल्कुल भी इसमें दही या टमाटर नहीं दिखना चाहिए, पूरा एकदम अच्छे से घी ऊज आउट हो जाना चाहिए एंड देन इट्स रेडी। ऑलराइट फ्रेंड्स, 7 to 8 मिनट्स हो चुके हैं पानी डालने के बाद, अब हम उठाकर इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए ऑयल अच्छे से रिलीज हो गया है और सब्जी अच्छे से कुक हो चुकी है। ये सब्जी की यही कंसिस्टेंसी रहना चाहिए, जो भी जो घी हमने डाला है वो ऐसे ऊपर आया हुआ होना चाहिए, तभी इसका मज़ा आएगा। गर्मा गर्म रोटियों के साथ एंजॉय करें, बहुत ही डिलिशियस, बहुत ही टेस्टी लगती है ये सब्जी। आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं इसे फॉर गुड 3 to 5 डेज। तो अब हम करते हैं इसे सर्व। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो मैंने सर्व कर दिया है हमारी डिलिशियस हल्दी की सब्जी को, जो दिखने में जितनी डिलिशियस है खाने में उतनी ही मज़े की और टेस्टी लगती है, ठीक है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, सर्दियों में आई थिंक यू शुड गिव इट अ ट्राई, इट्स मस्ट। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए। वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब बटन को दबाएं, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, इससे आपको मेरी वीडियोस देखने को मिलेगी सबसे पहले, वो भी फ्री।